सभी भाइयों को सुरेंद्र सनसनीवाल की तरफ से नमस्कार। सभी भाइयों का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल सनसनीवाल डेयरी फार्म पे। ये तीन भैंसे सामने आप वीडियो में देख पा रहे हैं। थोड़े दिन पहले हमने इनकी वीडियो भी बनाई थी, आप सभी भाइयों को दिखाया भी था। तो ये तीनों की तीनों उस टाइम हम बात कर रहे थे कि जब दूध पे आ जाएंगी पूरे दूध पे, फिर आपको इनका रेट वगैरह बताएंगे या जो बेचने की जो कितने में बेचनी है वो सारा कुछ बताएंगे। लेकिन एक भाई है पंजाब से, उनके यहाँ ये तीनों के तीनों पशु जा रहे हैं। ककराला उनका जो गांव का नाम है, ककराला कलां है समराला के पास, जो लुधियाना ज़िले में समराला एक छोटा सा कस्बा है उसके पास गांव है ककराला, वहां पे ये पशु जा रहे हैं तीनों के तीनों। तो मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। सबसे पहले जो एक नंबर पे जो भैंस बंधी हुई है, इसमें लगभग आज जिस टाइम मैं 4-5 दिन पहले हमने आपको वीडियो दिखाई थी उस टाइम इसमें 12 लीटर दूध बताया था, आज 15-16 लीटर दूध इसमें तैयार है और बहुत ही रीजनेबल रेटों में लगभग 1,45,000 रुपये में ये जो जोटी है दूसरे ब्यांत की हमने भाई को दिया। लिया भाई वापिस इधर। 1,45,000 रुपये में ये जोटी उस भाई के यहाँ पे जा रही है। लगभग ये मान के चलें तीन पशुओं में किराया भी एडजस्ट हो जाता है, 2-4 हज़ार किराए के लग जाएंगे। तो ये देखिए जो जोटी की मैं बात कर रहा हूँ 18-20 लीटर दूध भी आराम से निकालेगी। आज जोश भी देख सकते हैं जोटी के एडर में। आज शाम को ये तीनों पशु चढ़ के जाएंगे और बहुत सारे भाई जो जिनके घर जिनको ज़्यादा पशु नहीं बेचने होते, एक एक दो दो पशु बेचते हैं, उनके घर अगर ये जोटी होती तो लगभग 2 लाख रुपये से 1,90,000 रुपये से कम शायद ही कोई इस जोटी को बेचता। देख सकते हैं अडर की क्वालिटी, थड़ों की क्वालिटी बहुत ही शानदार, सारे की सारी जो चीज़ें हैं वो परफेक्ट हैं जोटी में। इससे आगे दो नंबर वाली जोटी, इसमें भी आज 15-16 लीटर दूध है, ये भी दूसरे ब्यांत की पहले हमने आपको दिखाया था। ये जोटी भी जो है वहीं जा रही है, ये भी उस दिन भी मैंने कहा था 18-20 लीटर दूध निकालेगी और 18-20 लीटर दूध ये खुला आराम से निकालने वाली जोटी है। देख सकते हैं बहुत ही शानदार। जिन भाइयों के यहाँ पशु जाते हैं हमारे फार्म से बिक के, लगभग सारे के सारे जो भाई हैं वो संतुष्ट रहते हैं और दूध भी अच्छा देते हैं। ज़्यादा केयर जिस फार्म पे होती है वहाँ पे आप खुद आइडिया लगा सकते हैं, वो दूसरे के यहाँ जाके फार्म पे या घर पे पशु दूध से घटता है, लेकिन हमारे यहाँ सारे के सारे पशु नॉर्मल डाइट पे रहते हैं और जब भी किसी भाई के घर जाते हैं 2-4 लीटर दूध वहाँ जाके बढ़ाएंगे ताज़ा ब्याए हुए, तो उसी का बेनिफिट है। इससे आगे ये बूरी जोटी, ये भी उन्हीं के पास जा रही है, भाई साहब ने ली है। उस दिन मैंने आपको बताया था 14-15 लीटर दूध निकाल सकती है और 14-15 लीटर दूध आज इसमें तैयार भी है। 1-2 लीटर दूध की और भी गुंजाइश है बढ़ने की। उस दिन जब हमारे पास आई थी तो ज़्यादा कोई डाइट वगैरह चराई में नहीं जोटी अभी तक आई थी, अपने पास आने के बाद ठीक ठाक खा पी रही है दूध पे, रोज़ डेली की डेली कुछ ना कुछ बढ़ा रही है दूध। तो बढ़िया दूध वाले तीनों के तीनों पशु भाई साहब के यहाँ पे जा रहे हैं, समराड़ा के पास मैं बता रहा था, ककराड़ा कोई पिंड है गांव है वहाँ पे जा रहे हैं। तो बताना भाइयों कमेंट्स में आपको कैसे लगे तीनों के तीनों पशु। सभी भाइयों का जितने भी अभी हमारे साथ जुड़े रहे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। बोले उन्हें बोले।